गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में सारे विद्यार्थी नरेशन की एक्सरसाइज करेंगे। तो इस नरेशन में हमने देखा आपको, हम तीन चीजें आपको बताए हैं। पहला बता दिया गया है एसर्टिव सेंटेंस चेंज करने के लिए, पहला। दूसरा बता दिया गया इंट्रोगेटिव चेंज करने के लिए, और तीसरा बता दिया गया इंपरेटिव चेंज करने के लिए। क्लियर हो गया? अब आपको एसर्टिव, इंट्रोगेटिव और इंपरेटिव तीनों बता दिया गया। हम तीनों की एक एक एक्सरसाइज लेते हैं कि हम कैसे इनको चेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा शी सेड टू मी आई डू नॉट हेल्प यू डेली, लिख दिया गया। She said to me, I do not help you daily. अब देखिए हमारा कौन सा रूल काम करेगा, assertive में। अब हम इसको चेंज करेंगे, हम यहां पर लिखेंगे क्या, She told, क्योंकि assertive में है तो told हो गया me। Told to me कभी मत लिखिएगा, अगर told to me लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। कमाई वर्ड कम हटाया गया, यहां पर किसका प्रयोग किया गया, that का। I is the first person pronoun, किसके अनुसार चेंज होगा, she के अनुसार। हम यहां पर लिखा गया क्या, सी। देखिए ए प्रेजेंट इनडेफिनिट है, रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में है, इसको पास्ट में चेंज करेंगे। डू का क्या हो गया, डिड नॉट, अब हेल्प हमारा हेल्प रहेगा। क्या हो गया, शी टोल्ड मी दैट शी डिड नॉट हेल्प। अब देखिए यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के, मी, तो मी के अनुसार चेंज हुआ। यहां पर क्या हो गया, मी डेली फॉर्म में लिख दिया, आपका बन गया, क्लियर हो गया। ये आपका क्या बन गया, एसर्टिव का के तहत आपने इसको इनडायरेक्ट में चेंज कर लिया। इसी सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव में चेंज कर ले रहे हैं। हमने लिखा शी सेड टू मी, इसके बाद हमने लिखा डू आई नॉट, लगा दीजिए डू आई नॉट हेल्प यू डेली, हो गया इंट्रोगेशन मार्क लग गया। अब देखिए इंट्रोगेटिव हो गया, और कैसा इंट्रोगेटिव हो गया, यस आर नो आंसर टाइप में। तो अब आपने इसको लिखा, सी सेड को चेंज किया गया, क्या हो गया, सी आस्क्ड मी, सी आस्क्ड मी, यस आर नो आंसर टाइप है, इसलिए कनेक्टिंग किसका प्रयोग होगा, इफ का। सी आस्क्ड मी इफ, देखिए आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सी के अनुसार चेंज हो गया, सी डू नॉट को चेंज करेंगे, क्या हो गया, डिड नॉट हेल्प, देखिए यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन मी के अनुसार चेंज हुआ, यहां पर क्या हो गया, मी डेली। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए, ये इंट्रोगेटिव में हो गया। अब आपका इंट्रोगेटिव का रूल, चूंकि इंट्रोगेटिव दो प्रकार का होता है, अब एक हम डब्ल्यू एच वर्ड का देख लेते हैं। इसी सेंटेंस को हम मान लीजिए डब्ल्यू एच वर्ड में चेंज कर लिए, हमने लिखा क्या, सी सेड टू मी कॉमे वर्ड कॉमे वाई Do I not help you daily? Last में इंट्रोगेशन मार्क हो गया, Why do I not help you daily? अब देखिए डब्ल्यू एच वर्ड लगा दिया, अब यहां पर हमारा सेम परिवर्तन रहेगा, सी आस्क लिख दिया गया, मी लिख दिया गया। अब ये कनेक्टिंग जो इफ लगाए थे और यहां पर दैट लगाए थे, ना तो दैट का प्रयोग करेंगे ना इफ का प्रयोग करेंगे, बल्कि इसी डब्ल्यू एच वर्ड का प्रयोग करके यहां पर हमने क्या लगा दिया, वाई, सी आस्क्ड मी वाई। अब आई फिर आ गया, क्या हो गया, सी डिड नॉट हेल्प मी डेली। अब आपको समझ में आ गया कि आप एसर्टिव को कैसे चेंज करते हैं, इंट्रोगेटिव के सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव को कैसे परिवर्तित करते हैं। अब इतना आ गया, अब इसी में एक एग्जांपल हम आपको इंपरेटिव का बताते हैं, इसको समझ लीजिए। इंपरेटिव हम बताने के लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए हम इसी सेंटेंस को लिखा, सी सेड टू मी कॉमन वर्ड कम हो गया, और इसके बाद हमने लिखा क्या, हेल्प मी डेली, ले दिया गया, She said to me, help me daily.
उसने मुझसे कहा हेल्प मी डेली। अब देखिए इंपरेटिव सेंटेंस हो गया क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। यहां पर क्या हो गया, सी ऑर्डर्ड हो गया मी टू हेल्प, क्या हो गया सी ऑर्डर्ड मी टू हेल्प। अब मी फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार हो गया हर, क्या हो गया डेली, आपका बन गया किसमें अगर इंपरेटिव हुआ तो। इसी में अगर मान लीजिए यहीं पर किसका प्रयोग किया गया होता प्लीज का, ठीक इसी सेंटेंस में अगर किसका प्रयोग किया जाता प्लीज का, मान लीजिए परिवर्तन क्या होता हेल्प मी डेली, अब यहां पर लिख दिया जाता क्या प्लीज, कामा लगा करके फुल स्टॉप इनवर्टेड कामा चेंज कर दिया जाता। तो अब की बार इसका जो परिवर्तन होगा वो इस रूप में होगा से रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर डेली, क्लियर हो गया आप फुल स्टॉप हो गया आपका ये बन गया कौन सा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में प्लीज या काइंडली प्रयोग किया गया तो रिक्वेस्टेड, अगर प्लीज काइंडली नहीं प्रयोग किया गया है तो ऑर्डर का प्रयोग करेंगे। आपने तीनों की एक्सरसाइज सीखा, अब अपनी बुक से क्या करेंगे एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू फॉर दिस क्लास।